नमस्कार, शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, आज तो शहर में कोहराम है सर, बुरी हालत हो गई है। हमारे क्रू को तो बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग ऑफिस पहुंच चुके हैं सर, पर अच्छा हुआ कि आज आप ऑफिस नहीं गए, कल आपने ऑफिस जाकर अपना काम पूरा कर लिया सर। नहीं बिल्कुल, और बहुत ही मुश्किल इस वक्त हालात हैं मुंबई के, और सब जगह पानी भरा हुआ है। और स्पेशली जो दादर, साइन, परेल, ये जो इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादातर टीवी चैनल्स हैं, वो थोड़ा सा निचला इलाका है और वहाँ पर काफ़ी पानी भरा हुआ है। लोगों को पहुँचने में मुश्किल हो रही है, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, लोग पैदल जाने में बहुत रिस्क है, आपके घुटनों तक, कमर तक पानी है। तो ऐसे में कहीं कोई दुर्घटना होने का डर जो है, उसके बावजूद हमारी PCR टीम, हमारी टेक्निकल टीम बड़ी मेहनत से गाड़ियाँ छोड़कर पैदल करके वो पहुँचे हैं। जो लोग सुबह 5 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं, वो अब इस वक्त 8 बजे ऑफिस पहुंचे और ये प्रसारण शुरू करने की कोशिश किए। तो सबसे पहले हमारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जो इस जज्बे के लिए, इस उत्साह के लिए कि नहीं कैसे भी करके पहुंचकर हमें प्रसारण शुरू करना है। अब आज के प्रसारण में मैं दर्शकों को भी धन्यवाद भी देना चाहता हूं और आपसे माफ़ी भी चाहता हूं कि हो सकता है आप जिस तरह का प्रसारण हर रोज़ देखते हैं वैसा ना देख पाएँ। कई सारे आपको जैसे अब मसलन हेडलाइंस आपके सामने नहीं है, मैं पढ़ दूंगा। स्ट्रेटेजी हो सकता है आपके सामने लिखी हुई आए ना आए, तो आज आप थोड़ा सा सुनने पर फोकस ज़्यादा कीजिए बजाय लिखा हुआ देखने पर, ये मेरी आपसे गुजारिश है। तो दीप, अगर आप कहें तो हेडलाइंस के साथ में शुरुआत कर दूं। बिल्कुल अनिल जी, आज की बड़ी खबरों के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जी, तो सबसे पहले भारत और चीन अब LAC पर नहीं बढ़ाएंगे सैनिकों की संख्या, ये सबसे बड़ी खबर है आज के लिए कि भारत और चीन सहमत हुए हैं कि सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे। कोर कमांडर स्तर की बातचीत में बनी सहमति, तनाव बढ़ाने वाली किसी भी कार्रवाई से बचेंगे दोनों देश, ये आज की हमारी पहली हेडलाइन है। हेडलाइन नंबर 2, दाव में 3 दिनों की कमजोरी पर लगा ब्रेक, निचले स्तरों से 300 अंकों की रिकवरी के बाद आखिरकार 140 अंक चढ़कर हुआ दाव बंद और नैस्डेक में दिखा 0.25% का उछाल। अब आपके सामने तीसरी हेडलाइन रख देता हूं। अमेरिकी संसद में दिए बयान से फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने फिर से बताई इकोनॉमी के लिए बड़े राहत पैकेज की जरूरत। अगली हेडलाइन है, SGX निफ्टी 11,150 के पास सपाट कारोबार करता हुआ, डाउ फ्यूचर्स में 65 अंकों की तेजी है। वहीं हांगकांग के बाजार सपाट और 2 दिनों बाद खुले निक्केई के जापान के बाजारों में हल्की कमजोरी। MCX पर सोना मामूली गिरावट के साथ 50,400 के नीचे हुआ बंद, वहीं चांदी सुस्ती के साथ 61,250 रुपए पर हुई है बंद। अब आइए प्राइमरी बाजार का एक्शन आपको बता दें। एंजल ब्रोकिंग का IPO पहले ही दिन 76% भरा है, प्राइस बैंड 305 से 306 रुपए, लिस्टिंग गेन के लिहाज से बहुत आकर्षक नहीं, आप छोड़ भी सकते हैं। दूसरे दिन कैमकॉन का IPO 12.5 गुना भरा, जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है इसे। कैम्प्स का IPO करीब 2 गुना भरा है। आज दोनों ही IPO में पैसा लगाने का आखिरी दिन है। हमारी राय है कैम्प्स में आप छोटे लिस्टिंग गेन लेकिन पोर्टफोलियो में रखने के लिए आज से इस स्टॉक में पैसा लगाएं। वहीं कैमकॉन में रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर सिर्फ लिस्टिंग गेन पर निकल जाने के लिए आज से पैसा लगाएं। अब आइए कोरोना का अपडेट। भारत में कोरोना से अब तक 90,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है जान। 80,000 नए मामलों के साथ भारत में अब कोरोना मरीजों की संख्या 56 लाख के पार। आइए कोरोना पर एक और बड़ी हेडलाइन है आज के लिए, वो आप सबको ध्यान से सुननी चाहिए। कोरोना के मसले पर प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे उच्च स्तरीय बैठक, सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री भी होंगे शामिल। तो 7 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, 7 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हैं और प्रधानमंत्री मोदी, जहां सबसे ज्यादा कोरोना फैला हुआ है वहां पर आज ये अहम हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है, इस पर आप ध्यान रखिएगा। अब जिसकी वजह से आप हेडलाइन सिर्फ सुन पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, वो हेडलाइन आपके सामने। मुंबई में रात भर तेज बारिश होती हुई दिखी है, परेल, दादर, हिंदमाता, चेंबूर, साइन, ये वो तमाम इलाके हैं जो निचले स्तर माने जाते हैं, यहाँ पर जबरदस्त पानी भरा हुआ है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो न्यूज़ पर यूज सेगमेंट में आज यस बैंक के MD और CEO प्रशांत कुमार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल 10:45 पर। बैंक की वित्तीय स्थिति और आगे की योजनाओं पर हम करेंगे उनसे बातचीत। तो ये है दीप आज की सारी हेडलाइंस, और अब इन हेडलाइंस के साथ
आप शुरुआत कीजिए ग्लोबल मार्केट्स के अपडेट के साथ, दुनिया भर के बाजारों में क्या कुछ हुआ है। पहले अमेरिका का अपडेट दें, फिर हम अमेरिका डिस्कस करेंगे, उसके बाद ब्रिटेन और यूरोप पे चलते हैं और फिर एशिया पर आते हैं। तो पहले शुरुआत करिए आप अमेरिका के साथ। बिल्कुल सर, अमेरिका की ही शुरुआत करते हैं। डाओ की 3 दिन की गिरावट पर लगा ब्रेक, S&P 500 की 4 दिन की बिकवाली पर लगा ब्रेक सर, और टेक्नोलॉजी शेयर्स में शानदार रिबाउंड की वजह से US मार्केट्स के सेंटिमेंट में हमने सुधार आते हुए देखा। तो डाओ तकरीबन 140 अंक बढ़कर बंद हुआ, पर अगर आप दिन के निचले स्तरों से देखें तो डाओ में लगभग 300 अंक की तेजी आपको दिखेगी सर। और एक बार फिर से टेक्नोलॉजी शेयर्स के दम पर ही हमने इतना बड़ा उछाल देखा है। अमेजॉन के शेयर में लगभग 5.5% की तेजी थी, पर जो बाकी दिग्गज टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं जैसे कि फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, इन सभी शेयरों में हमने अच्छी खरीदारी देखी। S&P 500 पर सर 11 में से 8 सेक्टर्स की पॉजिटिव क्लोजिंग हुई, पर एक बार फिर से हमने देखा कि जो बैंक शेयर्स हैं और इकोनॉमी से जुड़े शेयर्स हैं वहां पर थोड़ा दबाव आया, क्योंकि जो फेड के चेयरमैन है जेरोम पावेल वो इस हफ्ते US संसद में गवाही दे रहे हैं। तो कल पहला दिन था गवाही का, इस हफ्ते 2 और बार गवाही देंगे, आज शाम को भी गवाही देंगे, और उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जहां से अभी भी थोड़ी इकोनॉमी को लेकर चिंता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए इकोनॉमी में सुधार तो जरूर हुआ है, पर आगे का जो रास्ता है वो अनिश्चित है। और उन्होंने एक बार फिर से कहा, और ये लगातार पिछले कुछ महीनों से कह रहे हैं, कि सरकार की तरफ से एक और स्टिमुलस प्लान या स्टिमुलस बिल की बहुत बहुत जरूरत है इस समय, जिस पर इस समय हम देख रहे हैं कि जिस तरह का पॉलिटिकल सेटअप है अमेरिका में, अभी तो कोई सहमति नहीं है स्टिमुलस बिल को लेकर। तो वो कह रहे हैं कि जब तक स्टिमुलस बिल नहीं आता है, सरकार और कुछ कदम नहीं उठाती है, तब तक इकोनॉमी की रिकवरी सस्टेन नहीं हो पाएगी, इसलिए आगे का रास्ता अनिश्चित है। उन्होंने एक बार फिर से आश्वासन दिखाया कि देखिए फेड की तरफ से जो कदम उठाने हैं हम उठाने के लिए तैयार हैं, जितने भी स्टेप्स नेसेसरी हैं हम वो एक्शन लेंगे, पर सरकार से भी हमें सपोर्ट की जरूरत है। पर अनिल जी, सबसे बड़ी हेडलाइन यही थी कि जो बड़ी गिरावट हुई थी यूएस मार्केट्स में वो कल संभली है, निचले स्तरों से अच्छा सुधार हुआ है, और जो टेक्नोलॉजी शेयर्स की हम अंडर परफॉर्मेंस देख रहे थे वहां पर एक रिबाउंड आया है। अब सवाल तो अनिल जी यही उठता है कि ये क्या परफॉर्मेंस सस्टेनेबल है कि नहीं। आज सुबह भी अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स ठीक ठाक बढ़त दिखा रहे हैं 50-60 अंकों की, नैसडैक फ्यूचर्स में थोड़ा दबाव जरूर देखा था सर, पर थोड़े पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज हुए हैं इतने दिनों की गिरावट के बाद अमेरिका में सर। बिल्कुल, और 4 दिनों की इस उतार चढ़ाव के बाद फाइनली ब्रेक लगा है कमजोरी पर। और अच्छी बात दीप ये है कि देखिए, अगर आप फिर वही वाली बात है कि जो फेड चेयरमैन जेरोम पावेल कह रहे हैं उसे आप जैसे आप समझना चाहें, देखना चाहें, दोनों तरह से देख सकते हैं। अगर आपका मूड पॉजिटिव है और वो कह रहे हैं कि एक राहत पैकेज की सख्त ज़रूरत है, तो राहत पैकेज आएगा तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला होगा, और 2023 तक फेड ये मानकर चलता है कि हमें ब्याज दरें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, 0 के आसपास ही रखेंगे, तो फिर पैसा कहाँ बनेगा इक्विटी में, क्योंकि सबसे सस्ता तो मामला वही है। इक्विटी के अलावा आपके पास कुछ और ऐसी जगह है नहीं जहां पैसा बनाए, डेट में आप पैसा बना नहीं सकते हैं, तो जहां रिस्की एसेट्स हैं वहीं पैसा जाता हुआ दिखेगा। तो इस बयान को अगर आप पॉजिटिव साइड पर लेना चाहें तो ऐसे ले सकते हैं, और नेगेटिव साइड पर लेना चाहें तो ये दूसरी बात ये कि भाई पिछले 6 महीने से आप सारी कोशिशें कर रहे हैं, इतना स्टिमुलस पैकेज दिया, बेरोजगारी भत्ता आप बांट रहे हैं अमेरिका में, उसके बावजूद आप कहने की ज़रूरत नहीं है एक और राहत पैकेज की, सख्त ज़रूरत है, तुरंत प्रभाव से बड़े राहत पैकेज की जरूरत है। और अगले 2 साल तक आप अभी से ब्याज दरों का आउटलुक 0% दे रहे हैं, इसका मतलब ये क्या, रिकवरी पे खुद फेड चेयरमैन को भरोसा नहीं है, तो ऐसे में इकोनॉमी रिकवर नहीं होगी, सिर्फ पैसे के दम पर इक्विटी मार्केट कैसे चलेंगे। तो जिसे नेगेटिव साइड पे इसे पढ़ना है, वो कहते हैं कि हर एक सिक्के के 2 पहलू हैं दीप, तो आप जिस तरह से देखना चाहें वैसे देख सकते हैं। और आमतौर पर लोग करते ही हैं कि अगर फेड चेयरमैन के बयानों के बाद अमेरिकी बाजार बढ़े तो पॉजिटिव मान लो, नीचे गिरे तो नेगेटिव मान लो, ये मतलब सबसे आसान विश्लेषण है। तो मेरा पॉइंट ये है कि इसे आप शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव मानिए और लॉन्ग टर्म के लिए कॉशियस व्यू है। कि लॉन्ग टर्म के लिए कॉशियस व्यू इसलिए कि इकोनॉमी की रिकवरी में अभी भी काफ़ी वक्त है, और ज़्यादा अभी भी ताकत देने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव इसलिए कि चलिए पैसे की सख्त ज़रूरत, पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, तो कभी न कभी तो आ ही जाएगा। और दूसरा ये कि आपको इंटरेस्ट रेट्स अभी काफ़ी लंबे समय तक नीचे रखने के जो संकेत मिल रहे हैं उससे आप अमेरिकी बाजारों में रिकवरी देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो दीप अमेरिकी बाजारों से दिख रही है वो बेहद साफ है, और वो ये कि वोलेटाइल बहुत हो गया अमेरिकी मार्केट, दिन के दौरान भी, खुलने को लेकर, बंद होने को लेकर, और अगले दिन के एक्शन को लेकर। तो कुल मिलाकर ये कि इस वक्त दोनों तरफ के व्यूज़ बड़े स्ट्रांग बन रहे हैं अमेरिकी बाजारों में। एक और जो लिक्विडिटी के दम पर और रिकवरी पर भरोसा जताते हुए ये सोचकर कि कोरोना खत्म होगा ही आगे पीछे,
वो बड़ी तेजी के मूड में है क्योंकि उनके पास पैसे का पावर है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहेंगे कि तेजी कर करके आप कब तक करेंगे, कभी तो थक जाएंगे, कभी तो आपको कोरोना की सेकंड वेव से डर लगेगा, कभी तो इकोनॉमी की रिकवरी धीमी होती हुई पड़ती दिखेगी उसका डर लगेगा, और कभी तो ये बात भी सोचेंगे कि स्टिमुलस पैकेज आ क्यों नहीं पा रहा है। तो और साथ ही आपके सामने अमेरिका के इलेक्शन भी है, तो दोनों तरफ के व्यू बड़े स्ट्रॉन्ग है और यही वजह कि आप मार्केट को वोलेटाइल होते हुए देख रहे हैं। तो एक अच्छी तेजी के बाद, लाइफ टाइम हाई के नज़दीक आने के बाद, जो अमेरिकी डाउ में जो कमजोरी बनी है, प्रॉफिट बुकिंग बनी है, और नैसडेक में जो वॉलेटिलिटी बन रही है, वो इस बात की इशारा कर रही कि जो दो ऐसे खेमे हैं जिनका अपने अपनी तरफ से व्यू बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एक के पास पैसे का पावर है और दूसरा ये उम्मीद कर रहा है कि कभी न कभी तो बाज़ार वापस से है ना सच्चाई की तरफ या रियलिटी की तरफ बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से जो एक्शन है वो दोनों तरफ आपको तेज़ी से होता दिख रहा है। तो मुझे लगता है कुछ दिन और दीप, जब तक कि नए ट्रिगर्स ना मिल जाएँ तब तक लगता है कि आगे इसी तरह के उतार चढ़ाव भरे वाले दिन रहेंगे। कम से कम अक्टूबर का महीना सितंबर की तरह ही बड़ा उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। जैसे नवंबर के पहले हफ्ते में आप अमेरिका के इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो मुझे लगता है उससे पहले थोड़ी नर्वसनेस, थोड़ा सावधानी वाला, तो सितंबर सतर्कता वाला था, देखते हैं अक्टूबर में आगे क्या होता है। जी दीप, बिल्कुल अनिल जी, और बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल एक्शन रहा है अमेरिकी मार्केट्स में, तो देखते हैं वहाँ पर कैसा एक्शन रहेगा। अच्छा सर, यूरोप की अगर बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन था। वैसे तो हमने देखा कि अच्छी शुरुआत थी और मजबूती थी, एंड में मिलीजुली क्लोजिंग रही। हालांकि यूके के बाजारों में सर अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली है, इसके बावजूद कि उन्होंने कोरोना की जो पाबंदियाँ हैं वो अब बढ़ा दी हैं, पर एक जो डर था मार्केट का कि एक सेकेंड लॉकडाउन आ सकता है यूके में, या एक मिनी लॉकडाउन आ सकता है, उतना स्ट्रिक्ट नहीं जितना उन्होंने पहले फरवरी में अनाउंस किया था, पर एक सेकेंड लॉकडाउन का जो डर था वो शायद कहीं ना कहीं चला गया, जिसकी वजह से हमने देखा कि यूके के बाजारों में राहत के संकेत थे। हालांकि अगर आप देखें तो कोरोना की नई पाबंदियां अब यूके में अनाउंस कर दी गई हैं, जहां पर पब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो रात को 10 बजे उन्हें अपना कामकाज पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। सिर्फ टेबल सर्विस या डिलीवरी अलाउड है, इन रेस्टोरेंट डाइनिंग नहीं है। जो भी इंडोर स्टेडियम्स हैं या इंडोर पब्लिक गैदरिंग प्लेसेस हैं वहां पर नई रेस्ट्रिक्शंस हैं। वेडिंग्स में सिर्फ 15 लोग आ सकते हैं, शादी में सिर्फ 15 लोग शामिल हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। कुछ जो अनलॉकिंग मेजर्स वो करने वाले थे पहली अक्टूबर से, वहां पर भी उन्होंने पूरी तरह से रोक लगा दी है। तो वापस जो रेस्ट्रिक्शंस आ गई हैं यूके में, ये एक बड़ा चिंता का सवाल बनता है। और इसके साथ साथ जो बोरिस जॉनसन, जो यूके के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कल जो बयान दिया वहां पर भी उन्होंने कहा कि इस समय जो यूके की स्थिति है वो बहुत गंभीर है, और आगे जाकर अगर सिचुएशन को काबू में नहीं लाया गया तो परेशानी इनकी बढ़ सकती है। उनके जो वैज्ञानिक है उन्होंने ऐसे अनुमान लगाए हैं कि मिड अक्टूबर तक दिन के 50,000 नए मामले आ सकते हैं, और नवंबर तक दिन के 200 लोगों की मौत हो सकती है कोरोना को लेकर। तो अभी काफी चिंता है क्योंकि यूरोप में सबसे ज्यादा जो कोरोना से मौतें हुई हैं वो यूके में है, तकरीबन 41,000 के मौतें हुई हैं यूके में अभी तक, और 4,00,000 संक्रमित हैं। पर चिंता यह है कि यूके के केसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बाकी यूरोप जैसे कि फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, यहाँ के नए केसेस में बड़ा उछाल आया है, और वहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है। स्पेन में भी कुछ बात हो रही है, जर्मनी के हेल्थ मिनिस्टर का भी 2 दिन पहले बयान आया था नई रेस्ट्रिक्शंस को लेकर। पर यूके ने जो ये नई रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, और एक और बड़ी बात सर जो इसमें आई थी, उन्होंने कहा था कि अब हम जो नई रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं उतनी सिवियर नहीं है जितनी हमें लगानी चाहिए थी, पर 6 महीने तक ये रेस्ट्रिक्शंस प्लेस में रह सकती हैं। तो जितने लोग हैं वर्क फ्रॉम होम करें, कम से कम लोग बाहर निकले, मास्क नहीं पहनेंगे तो उस पर पेनल्टी लगेगी, और जो बाकी रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो कहीं ना कहीं सर एक रिलीफ है कि एटलीस्ट लॉकडाउन नहीं हुआ, पर एक चिंता यह है कि ये रेस्ट्रिक्शंस लंबे समय तक रह सकती हैं यूके में। और जिस तरह से नई लहर आई है कोरोना की, वहां से क्या चिंता हो सकती है सर, उस पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि कोरोना एक चिंता थी मार्केट की जो अब हम इग्नोर कर रहे थे, क्या ये वापस मार्केट सेंटिमेंट पर कुछ असर करा सकती है? जी बिल्कुल दीप, इसे आप शॉर्ट टर्म में एक राहत के तौर पर ले सकते हैं कि चलिए जो एक लॉकडाउन फिर से लगने का डर था यूके में, और यूके में लगता तो शायद यूरोप के बाकी देश भी इसे फॉलो करने की कोशिश करते, तो वो बच गए। लेकिन कहीं कोई बोरिस जॉनसन साहब के बयानों में कहीं कंफर्ट, कॉन्फिडेंस या फिर ये निश्चिंतता नहीं दिख रही कि हम लड़ाई जीत चुके हैं या लड़ाई जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। डर की तरफ उनका इशारा ज़्यादा है, और उनका ये समझना ये साफ है कि अगले 6 महीने और मुश्किल भरे हो सकते हैं। तो आप एक बार रिलीफ ले सकते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगा, और लॉकडाउन नहीं लगने के पीछे ये नहीं कि कोरोना का डर नहीं है। इस वक्त है ना ज़्यादातर सरकारों के ऊपर दीप जो है ना डर कोरोना से ज़्यादा आर्थिक मंदी का है,
कि अब कब तक आप कोरोना के डर से सब कुछ बंद रखेंगे, ये डर बहुत हावी है और हो सकता है आपके मेरे सबके लिए एक आम आदमी के लिए जान की चिंता सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन अगर एक कोई देश चलाने वाला प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो उनके लिए न सिर्फ अपने नागरिकों की जान की चिंता बल्कि देश को चलाने की चिंता भी उनके लिए, तो वो डिसीजन जब लेते हैं वो शायद अलग तरीके से लेते हैं और शायद बोरिस जॉनसन साहब के डिसीजन में भी इन बातों का कहीं ना कहीं उन्होंने ख्याल रखा है कि देश चलाना बहुत जरूरी है, सावधानी के साथ कैसे चला पाए वो इंटरेस्टिंग बात है। तो आज ये जो इतना सुबह सुबह तनाव भरा माहौल है कि हम प्रसारण शुरू नहीं कर पाए, मुंबई में बारिश बहुत जबरदस्त है, टीम पहुंच नहीं पाई, रास्ते में अटकी हुई है, इस बीच में आपने एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी उस पर मैं है ना आपसे राय लेना चाहता हूं। आप ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन में अब शादी में 15 लोग ही मैक्सिमम शामिल हो पाएंगे, ऐसा है? बिल्कुल सर, तो मतलब दूल्हे और दुल्हन की इमीडिएट फैमिली होगी और नहीं होंगे, वैसा ही है कि सिर्फ और सिर्फ 15 लोग ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे सर। और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ बढ़ाकर 100 लोग किए, पहले 50 से अब 100 हो गए, राइट, अगर मुझे सही याद है दीप तो। जी सर बिल्कुल सर, हमारे यहाँ 100 की अनुमति है, तो एटलीस्ट एक्सटेंडेड फैमिली और कुछ दोस्त आ सकते हैं। पर सर ये यूके में एक यूनिक प्रॉब्लम है सर इस सिचुएशन को लेकर, क्योंकि एक अच्छी बात जो भारत में है सर कि हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं, अगर सरकार कह रही है कि आप मास्क पहनकर निकलिए या फिर पब्लिक प्लेस में है तो आप मास्क पहने रहिए, तो लोग ये रूल्स फॉलो करते हैं। यूके और स्पेशली यूएस में सर प्रॉब्लम क्या है कि लोग ये रूल्स इग्नोर करते हैं और काफी सारे लोग आर्ग्यू करते हैं कि मेरा मेडिकल राइट है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप मेरे को मास्क नहीं पहना सकते हैं। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्प्रेड और ज्यादा है और इसकी वजह से ये थोड़ी नई रेस्ट्रिक्शंस और फाइन्स यूके में बढ़ाए गए हैं सर इस प्रॉब्लम की वजह से। नहीं, ठीक बात है, थोड़ा सा कहीं कहीं लापरवाही वाला मामला है, लापरवाही वाला मामला दीप हमारे यहाँ भी है, भले हमें थोड़ी सी मेट्रो सिटीज़ और बड़े शहरों में ये कम दिख रहा हो, लेकिन छोटे शहरों में अभी भी लोग बड़े लापरवाही से बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। अच्छा, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता था दीप, आपको कौन सा नंबर पसंद है, 15 यूके वाला या 100 इंडिया वाला, जहां मैक्सिमम नंबर जो शादी में अटेंड करने वालों की जो अनुमति है वो? अनिल जी नंबर तो खैर 100 से भी ज्यादा ही होना चाहिए, अब शादी तो एक ही बार होती है, तो जितने लोग जितने दोस्त जितनी फैमिली आ सके अच्छा है, और बंसल जी तो आए बिना मानेंगे भी नहीं, तो बंसल जी को तो बुलाना ही है, तो 100 से तो ज्यादा ही होने चाहिए सब लोग। चलो तो बढ़िया, फिर लॉकडाउन पूरा खत्म होने का इंतजार कीजिए। चलिए, अच्छा दीप ने 100 की लिस्ट कम से कम बताई, तो 100 में तो हमारा नंबर कहीं नहीं आगे पीछे लग जाएगा, लेकिन ये बड़े संकेत इस वक्त जो आते दिख रहे हैं आपको, और 2 दिनों बाद आज निक्केई के बाजार, जापान के बाजार खुले हैं, और जापान के बाजार खुले तो जाहिर सी बात है कि 2 दिनों में जो कुछ कमजोरी हुई है वो जापान के बाजारों ने नहीं देखी, तो उसका थोड़ा सा असर आपको जापान के बाजारों में आज नजर आएगा, ये एक आपके लिए हम, लेकिन इसके अलावा संकेत काफ़ी बेहतर है। दीप, एक जो बड़ा अपडेट है अगला आज के बाजार के लिए ट्रिगर के तौर पर, वो है चीन के साथ जो सीमा पर तनाव चल रहा है उसको लेकर जो बैठक हुई है, पहले एक बार आप बैठक का विश्लेषण दे दें, एक बार जानकारी दे दें, और उसके बाद मैं उसका विश्लेषण कर देता हूँ। जी दीप बिल्कुल अनिल जी, तो वो जो एक मैराथन कोर कमांडर सर की मीटिंग हुई थी 21 सितंबर को और फिर थोड़ी फॉलो ऑन मीटिंग हुई थी कल भी, उसका फाइनली परिणाम निकल कर आया सर, और इस पर आपके भी राय जानना चाहूँगा, बट थोड़े पॉजिटिव संकेत जरूर आए हैं सर। सबसे बड़ी बात जो आई है इस कोर कमांडर सर की जो मीटिंग हुई है उसमें है कि दोनों देशों ने अब ये तय कर लिया है कि आप और सैनिक यहाँ पर नहीं बढ़ाएंगे, यानी कि जितने पोजीशंस हैं अभी उसका आगे जाकर जो भी डेवलपमेंट होगा वो अलग बात है, पर और सैनिक यहां पर या और पोजीशंस यहां पर नहीं बढ़ाई जाएंगी, तो ये एक बड़ा संकेत है कि अब यहां से स्थिति और खराब या और गंभीर होने की संभावना कम है, आगे जाकर जो भी डीएस्केलेशन होता है वो अलग बात है, तो ये बड़े बात है कि दोनों देश अब एलएसी या सीमा पर अपनी सेनाएं और नहीं बढ़ाएंगे और सोल्जर्स नहीं भेजे जाएंगे। इसके अलावा जो ऑन द ग्राउंड सिचुएशन है उस पर कोई भी यूनिलैटरल डिसीजन नहीं लेंगे, यानी कि एक तरफा डिसीजन नहीं लिया जाएगा, आपस में चर्चा करके डिसीजन लिया जाएगा, और जो ऑनगोइंग स्थिति है जो इस समय थोड़ी तनाव बढ़ा हुआ है
उसको अब बिगाड़ने के लिए कोई भी देश और स्टेप्स नहीं लेगा। दोनों देश इस सिचुएशन को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने के लिए जो भी मेजर्स लेने जरूरी हैं वो लिए जाएंगे। तो समस्या को ठीक करने के लिए एक ओपन कम्युनिकेशन लाइन मेंटेन करी जाएगी, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी को अवॉइड किया जाएगा, आपस में कम्युनिकेशन मेंटेन करेंगे और नई पोजीशंस या फिर नए सैनिक नहीं लाए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। दोनों देश कह रहे हैं कि अब जो सीमा पर है उसको पीस की सिचुएशन वहां पर मेंटेन करेंगे, यहां से तनाव और बढ़ाया नहीं जाएगा। और जो पहले दोनों देश के बीच में अग्रीमेंट्स हुए, जैसे कि हमने देखा कि SCO सम्मेलन में जो दोनों देश के फॉरेन मिनिस्टर्स मिले थे या फिर एक बायलैटरल अग्रीमेंट्स हैं, उसका पालन किया जाएगा, सभी नियमों का पालन किया जाएगा। और जल्द ही जो सैन्य कमांडर स्तर है वहां पर बैठक का 7वां दौरा भी किया जाएगा। तो बड़ी बात यह है कि अब दोनों देश यहां पर अपनी पोजीशंस नहीं बढ़ाएंगे और सोल्जर्स नहीं भेजे जाएंगे, डीएस्केलेशन पर चर्चा रहेगी, नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स की भी बात हो रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि कोई भी तनावपूर्ण संकेत नहीं आया है, बल्कि शांति के ही संकेत आ रहे हैं और आगे जाकर प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ाएंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से हमें पॉजिटिव ही लेना चाहिए। और इसलिए आप देख भी रहे हैं कि शायद एशिया के बाजार आपको फिर भी थोड़े कमजोर दिखें, बट SGX निफ्टी आपको थोड़ा सपाट लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बात जरूर माननी चाहिए कि हालांकि सिचुएशन जो है वो अभी भी तनावपूर्ण है, पर इससे और खराब नहीं होगी और गंभीर नहीं होगी, ऐसा एफर्ट आपको आते हुए दिख रहा है। और ये हमने राजनीतिक स्तर पर भी देखा था 2 हफ्तों पहले, जब SCO सम्मेलन में एक 5-पॉइंट एजेंडा डिसाइड हुआ था, एक 5-पॉइंट कंसेंसस पर दोनों देश पहुंचे थे। और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि आगे के भी ये डेवलपमेंट्स अच्छे हैं, क्योंकि मिलिट्री लेवल पर जिसमें पहली बार इस मीटिंग में हमने देखा कि एक डिप्लोमेट भी शामिल थे चाइना और भारत दोनों की तरफ से, वहां पर भी ऐसे अग्रीमेंट आते हुए देखें। तो एटलीस्ट शांति की बात हो रही है, पर आगे जाकर ऑफकोर्स क्या डेवलपमेंट है वो देखना पड़ेगा। तो लेवल ऑफ अलर्ट तो ऑफकोर्स दोनों देश मेंटेन करेंगे, बट एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स नहीं किए जाएंगे, एडिशनल पोजिशंस नहीं होंगे और सोल्जर्स नहीं भेजे जाएंगे, ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा एक और जगह है जहां पर हमें नजर ले लेनी चाहिए, और जो है चीन के जो प्रीमियर हैं शी जिनपिंग, उनका जो बयान था UN में वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीन ना ही सिर्फ भारत के साथ तनावपूर्ण स्थिति में है, बट बॉर्डर तनाव की बात करें तो ताइवान के साथ भी उनकी प्रॉब्लम चल रही है। पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं हांगकांग के साथ तनाव बढ़ा हुआ है, और जो अमेरिका और चीन के रिलेशंस हैं वो तो खराब स्थिति में ऑलरेडी हैं। तो शी जिनपिंग ने जो UN में कहा है वो भी काफ़ी बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा किसी भी देश के साथ कोल्ड वॉर या हॉट वॉर हो, यानी कि US के साथ जो एक ट्रेड डील को लेकर कोल्ड वॉर की स्थिति चल रही है वो हम नहीं चाहते हैं कि आगे जाकर बढ़े। और जो बॉर्डर पर तनाव चल रहा है भारत के साथ, ताइवान के साथ, जो हांगकांग में उनके एक्शंस हैं, उनको भी वो नहीं चाहते हैं कि आगे जाकर और खराब हो। तो दोनों तरफ से अगर देखें सर, तो जो कोर कमांडर स्तर पर बातचीत के टेक अवेज आए वो काफी पॉजिटिव हैं कि नए सोल्जर्स नहीं भेजे देंगे दोनों देश, और जो शी जिनपिंग ने UN में कहा है वहां से भी एटलीस्ट शांति के संकेत आ रहे हैं सर, पर अब देखना पड़ेगा कि ये मेंटेन होता है कि नहीं। बट कहीं ना कहीं सर मेरे हिसाब से थोड़ा तो पॉजिटिव दिख रहा है। आपकी क्या रीडिंग है इन दोनों स्टेटमेंट्स की सर? देखिए दीप, देखिए मामला सुलझने की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी बात जो होती है शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए कि हम मामला और आगे बढ़ाएंगे नहीं। और कल के मैं आपको बताऊं कि आज के बाज़ार के लिए अगर पॉजिटिव ट्रिगर्स में मैं सबसे ऊपर किसी एक पॉजिटिव ट्रिगर को रखता हूँ तो वो है FNO का। दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है चाइना का, जो चाइना के बॉर्डर पर जो तनाव है उसको लेकर कल जो मीटिंग हुई है वो मीटिंग पहली बार थोड़ा सा अच्छा संकेत दे रही है। अच्छा संकेत इन अ सेंस कि भले ठीक है पीछे नहीं हट रहे लेकिन बात को और आगे नहीं बढ़ाएंगे, कम से कम इस बात पर सहमति हुई कि बात को हम और आगे नहीं बढ़ाएंगे। और बात को आगे नहीं बढ़ाना अपने आप में एक कदम है, यानी कि अब जितने सैनिक हैं अब आगे नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कमी होंगे और पीछे ही हटेंगे। तो वो प्रोसेस जब तक शुरू हो और जब तक आप उस मामले में आगे बढ़ें तब तक कम से कम ये चीज़ क्लियर हो गई कि तनाव न बढ़े, इसके प्रयास दोनों देशों की तरफ से होंगे और इस पर सहमति बन चुकी है। नहीं तो यह था कि आपने इतना आगे बढ़ाया हम इतना बढ़ाएंगे, हमने बढ़ाया आपने बढ़ाया, ये सब चीज़ें जो चलती रहती है उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती थी। तो ये सबसे बड़ी इस वक्त की जो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि कम से कम आप तनाव नहीं बढ़ा रहे हैं, ये आपके लिए एकदम बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि बड़े दिनों बाद सीमा पर जो तनाव को लेकर एक थोड़ी सी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी खबर है और इसके दम पर आप निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि अभी तक इस बात को पर सहमत नहीं हुए कि दोनों हम देश पीछे हटेंगे और मेंटेन करेंगे LAC पर जो एक्चुअल कंट्रोल है। ये सारी चीज़ें होने में शायद अभी भी वक्त लगेगा। इस बार मामला थोड़ा लंबा भी खींचता हुआ दिख रहा है, बहुत आसानी से रिजल्ट आता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो आपको सतर्कता तो रखनी ही है। लेकिन इस सतर्कता के बीच में कल की बातचीत में
में पहली बार थोड़ा सा अच्छा संकेत आया द्वीप की, कम से कम दोनों देश अब और तनाव नहीं बढ़ाएंगे और सैनिक नहीं बढ़ाएंगे सीमा पर, और जो स्थिति है उसे बनाए रखेंगे और बातचीत आगे जारी रहेगी। ये अच्छी खबर है। और ख़राब क्या है, अब बातचीत वापस कब शुरू होगी उसकी तारीख तय नहीं हुई है, एक दो दिन में होगी या थोड़ा वक्त लगेगा ये देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर नेट नेट आप इसे पॉजिटिव मानकर चल सकते हैं दीप जी। चलिए, तो नेट नेट एक तो ग्लोबल स्थिति थोड़ी पॉजिटिव हुई है सर, दूसरी जो इंडिया चाइना की स्थिति है वो भी पॉजिटिव हुई है सर। तो फिर आज के सेटअप के लिए आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, और आज के सेटअप पर आए सर, इससे पहले जो पिछले कुछ दिनों की वॉलिटिलिटी हुई है, मार्केट एक्शन हुआ है और कल एक्सपायरी है, उस लिहाज से कैसा देखना चाहिए? क्योंकि कल जब हम आफ्टरनून शो में डिस्कस कर रहे थे तो गिरावट तो भारी थी और हर रिकवरी पर हमने देखा कि बिकवाली आई, पर एटलीस्ट डेज लो पर बंद नहीं हुए, डेज लो से ठीक ठाक रिकवरी के बाद बंद हुए। तो अगर डेज लो से ठीक ठाक रिकवरी के बाद बंद हुए और आज के ग्लोबल संकेत और जो ये इंडिया चाइना के विवाद है वहां के संकेत हल्के से पॉजिटिव हैं, तो फिर कैसे देखना चाहिए एक्शन को? जी बिल्कुल दीप, मैं स्ट्रेटेजी पर सीधे आता हूँ। ग्लोबल संकेत न्यूट्रल से थोड़े पॉजिटिव साइड पर है। मैंने न्यूट्रल इसलिए रखा है कि एक बार थोड़ा सा एशिया का सुस्ती भरा माहौल है, लेकिन जिस तरह से निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी अमेरिकी बाजारों में हुई और डाउ फ्यूचर्स भी हरे निशान में है, नेस्डेक फ्यूचर्स जो सेंटिमेंट ज़्यादा अच्छे से दिखाते हैं वहाँ पर भी आपको रुझान थोड़ा तेज़ी की तरफ है, तो ग्लोबल संकेत न्यूट्रल से थोड़े पॉजिटिव मान सकते हैं। FIs की तरफ से संकेत नेगेटिव साइड पर हैं। घरेलू फंड्स के संकेत थोड़े पॉजिटिव साइड पर आप मानकर चलें। वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव साइड पर है, ये आज इंटरेस्टिंग दिख रहा है एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले। और इसके अलावा सेंटिमेंट थोड़ा सावधानी भरा है, कॉशियस है, अभी भी ट्रेंड न्यूट्रल है ये आज के लिए। अब आइए आपको आज की रेंज में आपको बता दूँ, 11,000 से 11,100 ये आज का दिन का अहम सपोर्ट जोन है और ये आसानी से नहीं टूटना चाहिए। 11,300 11,425 ये 125 पॉइंट की रेंज है ऊपरी स्तरों पर जहां पर बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 20,850 21,000 ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर आज का दिन का सपोर्ट जोन है और ये होल्ड होना चाहिए, पूरी संभावना है। 20,550 20,650 अगर इसके नीचे फिसलें, क्योंकि आज और कल एक्सपायरी के लिहाज से ट्रेड हो सकता है, अगर ग्लोबल संकेत कुछ ख़राब हो जाए या सीमा पर कोई खबर भगवान न करे ख़राब आ जाए, तो आप 20,550 20,650 वैसे इसकी संभावना काफ़ी कम है, नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी आपको रेंज एक हैंडी रखनी चाहिए। जहाँ तक बैंक निफ्टी की ऊपरी रेंज का सवाल है, 21,300 21,450 आपके लिए ऊपरी रेंज है जिस पर आप फोकस करें, उसको पार किया और निकले तो 21,650 21,750 बैंक निफ्टी के लिए आपका ऊपर का टारगेट बनेगा जिसके लिए आपको तेजी करनी है। तो दीप ये है आपके लिए बड़ी रेंज ऊपर और नीचे की निफ्टी और बैंक निफ्टी की आज के लिए। जी दीप बिल्कुल, तो ये है आपके लिए आज की रेंज जहां तक आज के एक्शन के लिए आपको नजर रखनी है। सर रेंज की तो आपने बात बताई, दिन की क्या रेंज निकल कर आती है अगर वो भी आप बता सकें, और जो पोजीशनिंग है वो कैसी दिख रही है आज के लिए जहां तक FIs का सवाल है या फिर जो PCR के संकेत है, क्योंकि कल भी बिकवाली हुई तो थोड़ा और ओवरसोल्ड लेवल्स पर है। जी 11,100 11,250 ये आज की आपके दिन की छोटी रेंज है, इस पर फोकस कीजिएगा। ज़्यादा संभावना है कि आप इस रेंज में कारोबार करेंगे, 11,100 के नीचे नहीं जाने चाहिए और 11,250 के पार निकलने पर तो यहीं से आपको गिनना है। 11,100 के नीचे से आप मंदी गिनना शुरू कीजिए, 11,250 के ऊपर से तेजी गिनना शुरू कीजिए। 11,075 11,300 ये आपकी आज की मीडियम रेंज रहेगी, और बड़ी रेंज जो आज आपके लिए बनकर आती है वो 11,000 से लेकर 11,350 तक की निकल कर आती है, जिस पर आपको फोकस करना है आज के लिए। अब आइए बैंक निफ्टी में 21,000 21,300 आज की छोटी रेंज है, 20,850 21,450 ये आज की मीडियम रेंज है, और 20,650 से लेकर 21,650 ये 1,000 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर बैंक निफ्टी पर आज के लिए बड़ी रेंज के तौर पर काम करेगी। वैसे मुझे लगता है दोनों की ज़रूरत ना पड़े, हो सकता है आप 21,450 21,500 पर आकर ही अटक जाएं, उसके ऊपर न जाएं, लेकिन आज के लिए रेंज आप ये तीन रेंज लेकर चल सकते हैं। जी दीप बिल्कुल, तो ये है आपके लिए आज की रेंज जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। FIs की पोजीशनिंग क्या संकेत दे रही है सर, और कल की बिकवाली से PCR क्या और कंफर्टेबल लेवल्स पर आ रहा है? देखिए
देखिए एफआईआई की तरफ से नेट लॉन्ग थोड़ी सी कम हुई है, 56% से घटकर 53% आई है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि नेट लॉन्ग घटी है, शॉर्ट्स भी बनी है, मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पुट कॉल रेशियो ये ओवरसोल्ड है, 1.04 एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले मार्केट ओवरसोल्ड है। कल भी आपको याद होगा दीप के, कल क्लोजिंग में मैंने यही कहा था 3:20 पर कि आप अपने सारे शॉर्ट्स काट के जाइए, और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो लॉन्ग पोजीशन बनाकर जाएं, कॉल ऑप्शन खरीदिए आप निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, और ऊपर का एक कॉल ऑप्शन भेज दीजिए। आई एम श्योर भले आपको एसएक्स निफ्टी सुस्त दिख रहा हो 3 पॉइंट नीचे, लेकिन अगर यही हाल रहा तो आप 40-50 पॉइंट ऊपर बाजार को खुलता हुआ देख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं अगर 50 पॉइंट ऊपर खुल जाए 11-200 के आसपास में, मेरा ये समझना है, मैं आपको बहुत बोल्ड और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एसजेएक्स निफ्टी भले ही 3 पॉइंट नीचे हो आप 11,200 के आसपास खुल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 11,150 आपको एसजेएक्स दिखा रहा है, मुझे लगता है 11,200 के आसपास खुलेंगे, तो जिन लोगों ने तेजी की पोजिशन कल के लिए बनाई है उनके लिए फायदा होने की पूरी पूरी उम्मीद आप मानकर चल सकते हैं। ओके, ये हो गई आपकी एफआईएस की तरफ से नेट लॉन्ग। विक्स थोड़ा सा नीचे आया 3% नीचे, जिनकी तेजी की पोजीशन है ऑलरेडी, वैसे तो स्टॉप लॉस उनके ट्रिगर हो जाने चाहिए, फिर भी जिन्होंने रखे हैं अब फाइनल स्टॉप लॉस 11,000 का रखें, और अगर 11,000 के नीचे इंट्राडे या क्लोजिंग बेसिस पर बंद हो तो आप निकल जाएं। बैंक निफ्टी के लिए आप रिस्क कम रखना चाहते हैं तो 21,000 का रख सकते हैं, और रिस्क जिसको थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है वो 20,800 का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में लेकर चल सकते हैं इंट्राडे के लिए, और 21,000 का क्लोजिंग बेसिस पर। शॉर्ट पोजीशन जिनकी है अब उन्हें स्टॉप लॉस ट्रेल करके 11,300 पर ले आना चाहिए, 11,300 के पार निकल कर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करें तो फिर आपको शॉर्ट में नहीं रहना चाहिए। वैसे तो हम कल ही कह चुके हैं शॉर्ट काट लीजिए, जिन्होंने काटी वो खुश होंगे, और अगर गलती से आज लाल निशान में खुले निफ्टी तो तुरंत प्रभाव से आपकी बची खुची शॉर्ट भी काट लीजिए। लॉन्ग जिनकी शॉर्ट पोजीशन बैंक निफ्टी में है उनके लिए एक ही क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है 21,500 का, 21,500 के पार निकले बंद हो अपनी शॉर्ट काट लीजिए। तो ये है दीप आपके लिए सारे स्टॉप लॉसेस। ओके, तो ये हैं जहां तक आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस का सवाल है किस तरह ध्यान रखना चाहिए, नई पोजीशंस कैसे बनाएं सर? खरीदा निफ्टी 11,000 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर का तरफ का टारगेट 11,200, 250, 300, 350, 425, ये पांच टारगेट आप लेकर चले निफ्टी के लिए। अलग अलग लेवल्स 50-50 पॉइंट के ऊपर के आसपास आते हुए दिख रहे हैं। शॉर्ट करने का मन 11,300 से बनाए, मार्केट का मूड माहौल देखकर 11,425 तक शॉर्ट है, 11,425 के जितना नज़दीक बेच पाएँ आई डोंट नो अब वो आज मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, यू नेवर नो, कोई एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आ जाए और ऊपर मिले तो आप धीरे धीरे इस रेंज को देखिए, 300 पे बेचना है या 350 पे बेचना है या 400 पे बेचना है या 425 पे, ये सोचकर उस वक्त देखेंगे। लेकिन ये रेंज है जहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए 11,500 के स्टॉप लॉस के साथ, 11,250, 200 और 150 के टारगेट के लिए नीचे की तरफ। नई पोजीशन बैंक निफ्टी में जिनको बनानी है 20,800 का अभी स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, लेकिन इसे आप ऊपर लेकर आ जाइएगा, 21,000 का कर लीजिएगा बाद में, 21,250, 21,350, 450 और 650 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में करनी है खरीदारी। अब दीप जो बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कहाँ करना चाहिए ये थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या 21,350 पे ही शॉर्ट कर दें या 21,450-500 के आसपास से शुरू करें और 21,650 तक जाएं। एक तरफ लगता है कि 21,450 आएगा भी कि नहीं आएगा, वैसे 21,450 अच्छा लेवल है जहाँ कंफर्ट ज़्यादा है शॉर्ट करने का। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर आप हैं तो 21,350 पे ही शॉर्ट कर दीजिए, और अदरवाइज 21,450-21,500 की रेंज में बेचिए, 21,650 आपका स्टॉप लॉस होगा, 21,250, 21,150, 21,000 और बहुत ख़राब हुआ तो 20,850, हालांकि संभावनाएं कम है, ये आपके लिए लेवल्स होंगे बैंक निफ्टी पे शॉर्ट करने के लिए आज से। और बैन में एक स्टॉक आया है आईबुल और एक निकला है सेल। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए आज के पूरा संकेत और किस तरह से आपको पोजीशन बनानी चाहिए। सर जल्दी से फंड फ्लो एक्शन के बारे में बात कर लें, फाइनली डीआईएस की तरफ से खरीदारी आई है बट एफआईएस का कैश फिगर में बहुत बड़ा सेल नंबर आया है, किस तरह से देखना चाहिए फंड फ्लो के संकेत? देखिए 2000 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की कैश मार्केट में बड़ी बिकवाली मानी जाएगी दीप, ये आंकड़ा थोड़ा सा बड़ा है, साथ ही 700 करोड़ के उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचे, तो दोनों ही गड़बड़ है मामला, तो इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचे और ये भी।
840 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स थोड़े खरीदें, ये एक अच्छा संकेत है। अब आइए ऑप्शन में, 790 करोड़ की ऑप्शन में खरीदारी हुई है, लेकिन दीप ये भी खराब है क्योंकि ऑप्शन में जो खरीदारी हुई है, जो ज़्यादातर खरीदारी पुट में हुई है, यानी पुट लॉन्ग करना मतलब यहाँ भी मंदी की पोजिशन बनाई है। अच्छा, इंडेक्स में जो है ना बिकवाली है, वो भी ऐसा नहीं कि लॉन्ग पोजिशन कम की हो तो बिकवाली मानी जाए, शॉर्ट पोजिशन बनाए। तो FIs अभी भी बाजार के मूड माहौल को लेकर थोड़ा सा आज के लिए, मेरे ख्याल से अगर एकमात्र नेगेटिव पॉइंट में ढूंढने जाऊँ बाजार में, तो ये FIs के आंकड़े ये जो परेशान करने वाले कि FIs ने कल के सेशन में भी निचले स्तर पर दबाकर बिकवाली किए, इंडेक्स में भी किए, पुट भी खरीदे और स्टॉक्स में भी किए, तो FIs के आंकड़े बहुत खराब है। तो आज एक ही नेगेटिव है सबसे बड़ा, वो FIs की भी। बड़े दिनों बाद 880 करोड़ की खरीदारी घरेलू फंड्स ने की, अब एक ही दिन की है, पता नहीं अब आज करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम रुके तो हैं, और हो सकता है FIs ने इतना तेज बेचा तो उसके सामने उन्होंने रुकने की कोशिश की है। अब आइए वायदा कारोबार के आंकड़े। वायदा कारोबार के आंकड़ों में दीप आपको 11,200 से गिनना है कि आप तेजी में हैं या नहीं। तो 11,200 आपके लिए बड़ा लेवल हो गया, 22 लाख शेयर वहाँ पर पुट में हैं और 26 लाख शेयर कॉल्स में, और उनमें से 19 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। तो जैसे ही अगर आप 11,200 के पार निकलकर ट्रेड करना शुरू करेंगे, तो कल के कमज़ोर शॉर्ट से मेरा मतलब वो है जिन्होंने 11,200 के आसपास या इसके नीचे शॉर्ट किए, ये आएंगे तनाव में कि देखिए डाउ फ्यूचर्स भी ऊपर, सब ठीक है, चाइना को लेकर भी अनिल जी ठीक ही कह रहे हैं कि तनाव कम हुआ है, तो क्या करें, शॉर्ट काट लें क्या? और जब ये सोचेंगे शॉर्ट काट लें क्या, तो इनके सोचने से काटना शुरू करने तक 11,250 आपको निफ्टी ऊपर दिखा देगा। देखिए इस लाइन को वापस से सुन लीजिएगा अच्छे से, 11,200 उसके आसपास आप खुल सकते हैं, 11,200 के ऊपर टिके तो जो कल के कमज़ोर शॉर्ट्स हैं 19 लाख शेयर, ये सोचना शुरू करेंगे और सोचकर जब काटना शुरू करेंगे तो 11,250 तक निफ्टी जाने की संभावनाएं आपके लिए बन जाएगी। फिर आगे वो देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और 11,300 आपके लिए बड़ा लेवल है जिसे पार करना थोड़ा मुश्किल होगा, 37 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर है। तो फिलहाल मैं 11,100-11,300 की रेंज देख रहा हूं और मेरे लिए 11,200 निर्णायक लेवल पर हो गया, और पुट कॉल रेशियो 1.04 100% ओवरसोल्ड है। तो एक चीज जो कल आपको 3:20 पर बोली वही अभी भी बोल रहा हूं, निचले स्तरों पर शॉर्ट करना ही नहीं है, इनफैक्ट शॉर्ट काटना है। देखिए बात करते करते 13 का आंकड़ा वैसे शुभ नहीं होता, लेकिन दीप 13 पॉइंट ऊपर एसजेक्स निफ्टी आ चुका, आएगा ऊपर, आप देखते रहिए, चिंता मत करिए। जब हम कमेंट्री इतनी स्ट्रांग और पॉजिटिव दे रहे हैं तो इसमें आपको इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगा। बैंक निफ्टी 21,000 मेक और ब्रेक लेवल है, 21,000 के नीचे जाएंगे तो ही आप कमजोरी फील करिएगा, नहीं तो जितने कमजोर है उतना ही रखिएगा। 8 लाख शेयर 21,000 के पुट में है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है, ये होल्ड होना चाहिए, और 21,500 ऊपर की रेंज है। तो 21,000-21,500 आपके लिए बैंक निफ्टी के, बाकी डेटा और लेवल मैं आपको दे ही चुका हूँ दीप। तो ये है आपके लिए इस वक्त सारा का सारा एक्शन आपके लिए। आइए अब एक काम करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ और पिक ऑफ द डे का बिगुल, और उसके बाद उनसे लेना शुरू करते हैं उनकी आज की पिक्स। गुड मॉर्निंग वागले साहब, बताएं सर आज का पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा पिक ऑफ द डे है M&M फाइनेंस, जिसको मैं बेचना चाहूंगा। 118 का बंद है, कल दोपहर को भी जाते जाते मैंने कहा था इसमें एक बड़ा वाला ब्रेकडाउन आया है, तो आज अगर हल्का सा बाउंस बैक मिलता है इसमें बेच के चले। 118 का बंद है, 122 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 111 का टारगेट मैं देख रहा हूँ 1-2 दिनों में। M&M फाइनेंस से पहला स्टॉक जहां पर बिकवाली की राय है वागले साहब की तरफ से। शुभम जी सुप्रभात, बताइए आपकी राय क्या है, क्या ऑप्शन कोई ट्रेड करेंगे? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा जो आज का पिक है वो है लुपिन, और मुझे लगता है कि जिस तरह से फार्मा इंडेक्स में हमें पहले भी परफॉर्मेंस देखने को मिला है, तो लुपिन में एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ से फिर से देखने को मिलना चाहिए। और डेरिवेटिव डेटा में अगर हम देखें तो पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से भी यहाँ पे मार्जिनली लॉन्ग बिल्ट होते हुए दिखे थे, और अब मुझे लगता है कि ये लॉन्ग्स नेक्स्ट सीरीज में कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखेंगे। तो अक्टूबर सीरीज का 1060 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को खरीदने की राय है, जो लगभग 53.50 रुपये पे क्लोज हुआ था। यहाँ पे टारगेट होगा 75 रुपये का और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 40 रुपये पे, तो लुपिन आज का मेरा पिक होगा। ओके, ल्यूपिन का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय, और मजबूत शेयर है ये जहां पर तेजी करना चाहते हैं शुभम जी। बंसल जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका क्या इरादा है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु, और सुप्रभात
शुभम जी को भी, और अनिल जी, शुभम जी और मैं एक ही ब्रांड की चाय पीते हैं, हमारे चाय के ब्रांड एक ही हैं, तो स्टॉक भी हमारा एक ही निकला है। मैंने भी अनिल जी लुपिन ही चूज करा है। लुपिन, मेरी लुपिन पे खरीदारी की राय है 1015 का स्टॉप लॉस है, 1075 का टारगेट है। ओके, 1015 का स्टॉप लॉस, 1075 का टारगेट, ये है लुपिन में खरीदारी करने की राय। ब्रांड चाय की एक ही है, शुभम जी की और बंसल जी की, ऐसा बंसल जी ने बताया, मुझे नहीं पता भाई, लेकिन दवा की ब्रांड सेम ना हो, इनफैक्ट दवा की जरूरत ही ना पड़े, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है बंसल जी। चाहे वो लुपिन की दवा हो या किसी और कंपनी की, आपको जरूरत ही ना पड़े, ना आपको पड़े, ना शुभम जी का, ना किसी और को। अच्छा शुभम जी, बाय द वे, आपने जो 53.50 रुपये में जो कॉल ऑप्शन लेने का कहा, वो कौन सा, 1050 वाला है या कौन सा है? अनिल जी, 1060 का कॉल ऑप्शन है और ये अक्टूबर सीरीज का कॉल ऑप्शन है जिसको खरीदना है। ओके, अक्टूबर, ओके, अक्टूबर का 1060 का कॉल ऑप्शन, ठीक बात है। आइए कुणाल जी से भी करते हैं बातचीत। कुणाल जी, सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दिव्यांशु। अनिल जी, सबसे पहले तो मौसम का हाल बता दें। अनिल जी, सुना है बहुत बारिश हो रही है मुंबई में। अनिल जी, थोड़ी ज्यादा हो रही हो तो कुछ बारिश आप दिल्ली भेज सकते हैं। थोड़ा सा है ना, आप दिल्ली से सनशाइन हमारे यहाँ भेजिए। यहाँ तो हाल इतना बुरा है कि मैं क्या बताऊँ आपको, कि बड़ी मुश्किल से हमारे लोग पहुँचे हैं ऑफिस और बड़ी मुश्किल से ये टेलीकास्ट चल पा रहा है। तो आज मैं, मुझे याद नहीं आता कि पिछली बार कब ऐसा हुआ। मेरे, मुझे कई सालों में मुझे याद नहीं आता कि हमने 8 बजे के बाद टेलीकास्ट शुरू किया हो। ज़्यादा से ज़्यादा कभी एक आध बार ये हुआ होगा कि 7 की बजाय 7:30 किया, लेकिन इस बार तो 8 बजे हमारे लोग ऑफिस पहुँचे और 8 बजे पहुँचते 5 मिनट में पूरा टेलीकास्ट शुरू भी किया है। तो टीम पूरी तरह से तैयार है, तत्पर है, काम कर रही है, लेकिन हाँ वाकई में हालात थोड़े मुश्किल हैं आज मुंबई के। बताएं कुणाल जी, आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी, देखिए आपने कल मुझ पर आरोप लगाया था कि मैंने काम कम किया है, तो अनिल जी आज मैंने दुगना काम किया है। 2 काउंटर्स हैं अनिल जी जिन पर मेरी खरीदारी की राय है। सबसे पहले अनिल जी, टॉरेंट पावर पर मेरी खरीदारी की राय है। इसमें एक पैटर्न बना है जिसका नाम है ट्वीजर बॉटम पैटर्न, तो इसको खरीदें। यहाँ पर 319 रुपये पर 319 पर एक स्टॉप लॉस रखना है, 335 रुपये का लक्ष्य होगा। और दूसरी खरीद की राय अनिल जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी जो कल बहुत ही शानदार 6-7 रुपए की रिकवरी निचले स्तरों से हमने बंद होते समय देखी थी, वो मुझे लगता है कि अनिल जी बहुत इंकरेजिंग है। आज स्टेट बैंक में आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो 181 के स्टॉप लॉस से मेरी खरीदारी की राय है। 199 रुपए का लक्ष्य है स्टेट बैंक की। ओके, 200 नहीं, सिर्फ 199, कोई बात नहीं, चलिए 1 रुपया छोड़ दें, 199 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। SBI 199 भी पहुंच गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप। ये राय कुणाल जी की तरफ है और टोरेंट पावर खरीदने की राय। सुमित जी, गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। देखिए इंफ्राटेल यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर वीक लग रहा है। इंफ्राटेल ने कल सपोर्ट्स ब्रेक किए हैं और उसके नीचे क्लोजिंग दिया है, तो भारतीय इंफ्राटेल के अंदर यहाँ से गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिलनी चाहिए और नीचे में 170 रुपए से लेके 165 रुपए तक के लेवल जल्दी ही इंफ्राटेल के अंदर देखने को मिलने चाहिए। 181-183 के आसपास स्टॉक के अंदर सेलिंग करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 187 का स्टॉप लॉस लगाए, नीचे में 170 रुपए से लेके 165 रुपए तक के लेवल भारतीय इंफ्राटेल के अंदर देखने को मिलने चाहिए, तो ये स्टॉक के अंदर उछाल में सेल साइड का व्यू लेके काम करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये है भारतीय इंफ्राटेल में बिकवाली करने की राय आपके लिए। आइए अविनाश जी भी हमारे साथ है। अविनाश जी, बताएं सर आपके पसंदीदा शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, जो 2 स्टॉक्स हमको कैश सेगमेंट में जो पसंद है वो बेसिकली FMCG सेक्टर और लुब्रिकेंट सेक्टर में से। पहला स्टॉक जो पसंद है अनिल जी वो गल्फ ऑयल है। हमको लग रहा है कि कंपनी ने खराब यू नो माहौल के वितरित काफी अच्छे नंबर्स यू नो डिक्लेयर किए थे। करीबन यू नो वॉल्यूम ग्रोथ अगर देखे तो 3-4% जून में डिस्पाइट द लॉकडाउन उन्होंने रिकॉर्ड किया था, और मैनेजमेंट की कॉमेंट्री कि यहाँ से अगर कोई निवेश की यू नो इन्वेस्टमेंट प्रपोजिशन करता है तो यहाँ से एक अच्छा उछाल मिल सकता है। लास्ट ईयर कंपनी ने करीबन 202 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था और कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल है वो काफी छोटी है, इससे डेफिनेटली अर्निंग्स ग्रोथ के लिए काफी अच्छा बढ़ावा मिलता है।
तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 740 750 का टारगेट प्राइस नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक रहेगा बजाज कंज्यूमर। बजाज कंज्यूमर ने काफी ऊपरी लेवल से पिटाई देखी है, प्लस हमने एक यू नो मैनेजमेंट कॉन्कॉल से देखा है कि मैनेजमेंट काफी होपफुल है कि सेकंड क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ और प्राइसिंग में डेफिनेटली सुधार आएगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली और एक खरीदने का मौका है। अगेन छोटा कैश काउंटर है, लेकिन डेफिनेटली कैश रिच कम नहीं है, कोई 225-230 का यू नो टारगेट लेके यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं। और मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पे रिपीट करना चाहूंगा कि हालांकि मार्केट में थोड़ी सी सेल ऑफ का वेव जरूर आया है, पर 610-615 एक अच्छा विकल्प होगा यहाँ पे एक्युमुलेट करने के लिए। हमको नहीं लग रहा है कि ट्रैक्टर मार्केट में या ओवरऑल जो स्ट्रक्चर में कोई खराबी आई है, तो यहाँ पे एक्युमुलेट करें। साल भर का नजरिया अगर कोई लेता है तो करीबन 700 का प्राइस पॉसिबल है। ओके, और दीप जरा देखिए इस वक्त एसजेएक्स निफ्टी कहाँ है, पूरे 11,200 के आसपास, 35-40 पॉइंट ऊपर हो चुका है। तो देखिए सिंगापुर में भी बात पहुंच जाती है कहीं कहीं, ये कह सकते हैं, लेकिन वही वही वाली बात है कि जिसे कहते हैं ना मिस प्राइसिंग। मुझे लगता है जो कल वो डिसीजन आया ना कि अब यहाँ पर भी SGX 50 ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, ये इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता किस हिसाब से SGX 50 लाल निशान में ट्रेड करा था, 11,200 के आसपास की ओपनिंग की जो हम बात सोच रहे थे। तो अब देखिए उसके आसपास शुरुआत होती हुई दिख रही है।